हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश, आई एम फ्रॉम कपिल पब्लिक स्कूल। आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर। आज हम स्क्वायर्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक मेजर कॉन्सेप्ट है, जो कि क्लासेस हमारे जो क्लासेस होती हैं 6th, 7th एंड 8th, कहीं पर भी इसका नाम आ सकता है, कहीं पे भी किसी भी क्लास का ये सिक्स टॉपिक के अंदर ये कहीं पे भी आ जाता है। तो आइए गाइज, हम लोग आज अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है स्क्वायर। देखिए, आपने स्क्वायर तो सुना ही होगा, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये स्क्वायर है। लेकिन हम इस स्क्वायर की भी नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये तो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। हम बात कर रहे हैं एलजेब्रा वाले स्क्वायर की। एलजेब्रा मींस दैट, जैसे कि हम किसी स्क्वायर होता है, मतलब कि जैसे हो गया टू और स्क्वायर हम दिखाते हैं पावर टू, जैसे ठीक है ना, टू की पावर टू, तो हम इसे टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये हमारा ये फोर आ गया, ये टू का स्क्वायर है। अगर देखें हम, चलिए सिक्स की पावर टू, ये सिक्स का स्क्वायर हो गया। तो सिक्स का स्क्वायर कितना होगा, सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 6 = 36, तो ये हमारा इसका आ गया स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर का हमारा साइड इंटू साइड होता है, इस फॉर्मूले से भी निकलता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, देखिए गाइस, मैं आपको पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर निकाल कर दिखाता हूं। देखिए, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 1 का 1 होता है, 3 की पावर 3, ये हो गया हमारा 9 स्क्वायर, ये 4 की पावर 2, ये 2 आया, 2 सॉरी, 3 की पावर 2, ये 9 आ गया, 4 की पावर 2 कितना आ गया 16, 5 की पावर 2 ये आ गया हमारा 25, अब 6 की पावर 2 ये हमारा आ गया 36, 7 की पावर 2 ये हमारा आ गया 49, 8 की पावर 2 ये हो गया 64, और ये 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81, अब ये 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, ये हमने लिख दिए स्क्वायर्स 1 से लेके 10 तक के। तो आइए गाइस, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यूनिट प्लेस, आपने ये वर्ड सुना होगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए मैं ये पूरा खोल दिया मैंने, देखिए यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में जैसे कि ये हो गया हमारे पास 24। तो अब इधर मैं बोलूं कि अब आपको 4 का यूनिट प्लेस बताना है, तो 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16। तो 16 की जो ये लास्ट डिजिट होगी वही हमारा जो होगी, वही हमारी क्या होगी, यूनिट प्लेस वैल्यू, क्या होगी हमारी यूनिट प्लेस वैल्यू। तो जैसे कि आपको अगर जैसे ये स्क्वायर दे रखे हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर हो, अगर उसका लास्ट का डिजिट 1 है, तो उसके जो स्क्वायर में भी जो आएगी ना स्क्वायर वाली वैल्यू, वो भी हमारी 1 ही होगी। जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो अब 2 के, अब जैसे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर लास्ट में अगर 2 दे रखा है, तो 2 के स्क्वायर जो होगा तो उसकी लास्ट की वैल्यू 4 ही होगी। जैसे कि 24 है, देखिए जैसे कि मैं लिखकर दिखाता हूं आपको 24, तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये लास्ट की डिजिट मैंने बताई कि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लास्ट की डिजिट 6 ही होगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 4 से 24 को मल्टीप्लाई, देखिए 4 × 4 = 16 का 6 कैरी 1, 4 × 2 = 8 और 1
9 इंटू में, अब देखिए 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 2 2 जा 4, 6 ये आ गया हमारा 17, इधर आ गया 1, ये आ गया 5। देखिए अब इसका स्क्वायर कितना कितना निकला, ये 24 × 24 हमारा कितना आ गया 5 7 6। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट आया ना यही हमारा, तो कोई भी नंबर हो हमारा, कोई भी नंबर हो चाहे 6 को ले लो, अगर इसका 6 का स्क्वायर हमारा 36 है तो उसकी लास्ट की डिजिट 6 ही होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मेजर कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैं एक बड़ा डिजिट ले लेता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 6 7 9 8 4 3। अब देखिए अगर मान लो इस नंबर का मैं बोलूँ लास्ट डिजिट का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए करने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर देखते हैं 3, इधर 3 लिखा है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो उस लास्ट डिजिट जो होगा उसका वो 9 होगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि हर क्लासेस में हर किसी को काम आता है। तो थैंक यू।